आपके पास भी SBI का बैंक अकाउंट है और आप SBI बैंक अकाउंट का जो फिजिकल डेबिट कार्ड है उसका पिन को भूल चुके हो, आपका पिन याद नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स पता होगा विदाउट एनी पिन के हम विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं, या कहीं ऐसी प्लेटफॉर्म पे हम डेबिट भी नहीं करवा सकते हैं जहाँ हमें उसकी पिन याद ना हो। लेकिन इस वीडियो में जानेंगे कि आप बिना ब्रांच गए, बिना ATM मशीन को यूज़ किए, आप घर बैठे अपने पिन को किस तरीके से रिकवर करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं फुल प्रोसेस बता रखा है, एक ही पार्ट को मिस मत करना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। योनो को लॉगिन कर लेंगे और डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, यानी कार्ड के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ मिलेगा माय डेबिट कार्ड, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ आपके स्क्रीन पर दो कार्ड शो होंगे, एक तो रहेगा वर्चुअल डेबिट कार्ड और एक होगा फिजिकल डेबिट कार्ड। हमें फिजिकल डेबिट कार्ड का पिन चेंज करना है तो सिंपल सा आपको नीचे के साइड स्क्रॉल करना है। आप नीचे में देखेंगे तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि पहला ऑप्शन रहेगा ब्लॉक कार्ड, मैनेज यूएस एंड लिमिट्स, सेट रीसेट ATM पिन। पहले हम लोग ब्राउजर में जाते थे लेकिन अब योनो ने यहीं पे ला दिया है, जो कि हम लोगों के लिए इजी कर दिया है। आपको सिंपल से इस पे क्लिक करना है अगर आपका ATM का पिन याद नहीं है तब। अब ऊपर में यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, इंटर न्यू पिन, कन्फर्म न्यू पिन। दोनों बॉक्स में आप मतलब सेम पिन इंटर करेंगे जो कि 4 नंबर का होगा, यानी 4 डिजिट का होगा। ठीक है, चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ। दोनों बॉक्स में आप जब पिन इंटर कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपको नीचे मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, इस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे। OTP को फिल करके नीचे आप देखेंगे तो सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, सक्सेसफुल योर ATM पिन फॉर कार्ड नंबर के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे शो हो जाएंगे और सक्सेसफुल जनरेटेड। देखिए फ्रेंड्स ये कितना ईजी है, आप योनो को यूज़ करके घर बैठे अपने डेबिट कार्ड का भूले हुए पिन को फिर से सेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज नहीं करना है, पहले क्या होता था डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 नंबर, एक्सपायरी डेट, CB नंबर, लेकिन अब ऐसा कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना पिन को सेट करना। बस दोनों बॉक्स में सेम पिन एंटर करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, OTP फिल करेंगे और आपका जो कार्ड का पिन है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुकी है। अगर आपने भूल चुके हो तो आप इस तरीके से अपने कार्ड का पिन को सेट कर सकते हो विदाउट एनी ब्रांच, विदाउट एनी ATM मशीन को यूज़ किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।